अपने सपनों के आसियाने को बिखरने से बचाएं। 19 वर्षों से भरोसेमंद सिंह हार्डवेयर एंड सैनिटेशन में आए, जहां मिलेगा आपको सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट जो आपके घर को देगा मजबूत आधार। सरकारी बस डिपो के सामने, कचहरी रोड, मेदिनी नगर। पलामू के मनातू प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण करने पलामू उपायुक्त ए डोड्डे पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के किचन और हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए नौवीं और दसवीं वर्ग की छात्राओं के साथ बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने देश के वर्तमान मंत्रिमंडल, गणित व भूगोल के से संबंधित कई सवाल किए। उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने का सुझाव देते हुए परीक्षाओं में सफल होने के कई गुर बताया। इस क्रम में उन्होंने छात्रावास के वार्डन से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्डन ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी और छात्रावास से विद्यालय तक पथ निर्माण और बाउंड्री वाल की आवश्यकता से अवगत कराया। उपायुक्त ने अंचलाधिकारी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर छात्रावास से विद्यालय तक रास्ता और बाउंड्री वाल निर्माण कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को खाली पड़े मैदान को वीर शहीद पोट्टो हो योजना के तहत खेल मैदान के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। वहीं किचन का निरीक्षण करते वक्त पतली दाल देखकर भोजन की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त की। वार्डन को सस्पेंड कर देने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भोजन में पौष्टिकता की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने हॉस्टल के गार्ड को यूनिफॉर्म में रहने का सख्त आदेश दिया। इसके बाद पलामू उपायुक्त संकीर्ण जंगली रास्तों से होते हुए मनातू के अति सुदूरवर्ती इलाका वंशी खुर्द पहुंचे, जहां एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को समय सीमा के भीतर विद्यालय प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मुख्य सड़क से विद्यालय तक पथ निर्माण की बात भी कही। उपायुक्त पलामू के जांच दल में मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।